गाइस व्हाट इज अप पीपल, भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, देखो वहां से मैं यहाँ आ गया, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, हाँ अच्छी बात है, नहीं ठीक है, चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मजा की बात साइड में, कैसे आज की वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाली है यार। यहाँ पे मैं आपको 10 ऐसे फोन बताने वाला हूँ जो कि अपकमिंग डेज में हमें लॉन्च होने को दिखेगा, जो कि 2023 का 10 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे। भाई मुझे तो भाई तड़कदार बनता है, मजा आ रहा है, और आप लोग भी इसी बात के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको रोजाना मिलेगा। चलो भाई फटाक से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट मोबाइल हमारे पास आ जाता है, जो कि है हमारे की तरफ से कौन सा है भाई, ये मोटो S30 प्रो, जो कि करीबन 25,000 के आसपास में एक्सपेक्टेड है। इसमें एक ऑक्टाकोर 3 GHz का प्रोसेसर, भाई 3 GHz मोटरोला, भाई 3 GHz पे जा रहा, स्नैपड्रैगन 888 प्लस का प्रोसेसर मिल जाएगा, 8 GB का रैम मिलेगा, 6.5 इंचेस का आपको जो है ना पीओलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसमें भाई 144 Hz का आपको सैम्पलिंग रेट रहेगा, भाई रिफ्रेश मतलब गेमिंग करने के लिए बढ़िया रहेगा, 888 प्रोसेस बेहतरीन है गेमिंग के लिए। कैमरा की बात करें भाई 50MP 13+2MP का आपको नॉर्मल मैक्रो जो कि पिद्दू वाला कैमरा मिलेगा, फ्लैश भी मिलेगा 32MP में, फ्रंट कैमरा मिलेगा, भाई ये चीज बढ़िया क्या मोटरोला वाला के सामने में जाकर के 32MP का कैम दिया है। बाकी गाइस 128 वेरिएंट के साथ में आता, ओ ओ भाई भाई मैंने ज्यादा स्किप कर दिया, उसको इग्नोर मारो ठीक है। तो भाई 128 GB का आपको नॉन एक्सपैंडेबल मेमोरी मिलेगा, एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, 4G सपोर्टेड रहेगा, 5G फिलहाल इसमें नहीं है। भाई मोटरोला क्यों ऐसा करते हो कि भाई बिना 5G के फोन लॉन्च कर रहे हो, है ना। चलो अगले फोन पे चलते हैं। अगले फोन हमारे पास में Xiaomi की तरफ से आने वाला है Redmi Note 12 Pro 5G का, नाम तो ऑलरेडी सुनी गया, ये रूमर्स में चल ही रहा है बहुत ही दिन, लॉन्च होने वाला है और ये करीबन 20,000 के प्राइस में एक्सपेक्टेड है। ऑक्टाकोर 2.6 GHz पे क्लॉक रहेगा, जो कि 6.67 का पीओलेड डिस्प्ले के साथ में अगेन आ रहा है, 120Hz का इसका रिफ्रेश रेट है, 6GB मीडियम जो कि रैम रहेगा, बेस वेरिएंट रहेगा और मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 पे ये आने वाला है। भाई मतलब देखो मीडियासिटी जो भी 900 अबो है ना, तगड़े प्रोसेसर बनाता है। 50MP का आपका वही सेम कैमरा सेटअप है, ड्यूल कलर लेड फ्लैश है जिसमें जो कि ड्यूल फ्लैश रहेगा आपको, 16MP का फ्रंट कैमरा जो कि ठीक ठाक है। भाई आपको कैसा लगा फोन ये जरूर बताओ भाई नीचे कमेंट बॉक्स में, और बाकी भाई फोन एक्चुअली जो को मेरा कहने का मतलब है ना, फोन ऐसा बनाए जो कि नेक्स्ट जनरेशन तक भी चले, आजकल के फोन ऐसे बन रहे 2 साल में फुटो मतलब क्या समझते हो आप बताओ, आपको लगता है कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई मतलब फोन कंपनियां वगैरह क्या कर रही है। और भाई नेक्स्ट फोन हमारे पास आ जाता है ओप्पो A58, जो कि करीबन 19,000 के आसपास में हमारा एक्सपेक्टेड है, जो कि ऑक्टाकोर 2.2 GHz पे प्लस रहेगा। अगर कंपैरिजन किया जाए प्रीवियस फोन से तो ये ठीक ठाक, उतना कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7000 पे रहेगा, 269 अगेन IPS LCD, भाई 20,000 के फोन में IPS LCD देकर के बेकार कर देता भाई। 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में आपको 16.56 का स्क्रीन मिलेगा, कैमरा अगेन सेम है 50MP 2MP, और इसमें बट ड्यूल पेरिस्कोप कैमरा कुछ दिया गया, बट जब ये लॉन्च होगा तो देखेंगे भाई क्या एक्चुअली में करता है। उसके बाद में 8MP का फ्रंट कैमरा है, 128GB का वेस वेरिएंट है और अप टू 1TB तक आप एक्सपैंड कर सकते हो, हाँ मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलेगा, पिछले दो फोन में नहीं था, और आपको मामूली 5G का सपोर्ट मिलेगा, 4G का ड्यूल ड्यूल सिम सपोर्ट रहेगा, नैनो और नैनो सिम कार्ड डाल सकते हो, 4G वगैरह का यूज कर सकते हो, ठीक है ठीक ठाक ही है, ज्यादा कुछ कमाल का बात नहीं है। नेक्स्ट फोन के पास चलते हैं, जो कि हमारे पास अगेन आता है Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G, ये वाला प्लस है, प्रीवियस वाला प्रो था ठीक है, अब ये करीबन 25,000 तक में आने का हमारा एक्सपेक्टेशन है, और इसमें 2.6 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया, भाई ऑक्टाकोर प्रोसेसर है तगड़ा वाला, अगर प्रोसेसर का क्या चीज है उसके बारे में वीडियो चाहिए तो बताना, उसके बारे में अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझ ले दिमाग में बात घुस जाएगी मिंटॉस की तरह। और मीडियाटेक का कौन सा प्रोसेसर आ रहा है ये तो डिस्क्लोज नहीं किया गया, बट मीडियाटेक का प्रोसेसर रहेगा, 8GB रैम रहेगा। भाई मीडियाटेक की बात बताऊं, करीबन अभी से 8-10 साल पहले भाई मीडियाटेक एकदम बेकार प्रोसेसर, मैं तो लिटरली भाई मीडियाटेक को कभी पसंद नहीं करता था, हमेशा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन तरफ जाता था, बट भाई जब मैंने प्रीवियस फोन जैसे इस फोन से अभी जो चीजें चल रहा है ये Note 8 Pro है, इसमें भाई मैंने मीडियाटेक का नया प्रोसेसर जो गेमिंग G90 का प्रोसेसर देखा तो भाई तगड़ा मिला, तब से भाई मतलब कमाल के चीजें बना रहा है भाई मीडियाटेक वाला, हैट्स ऑफ टू द मीडियाटेक। और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 16MP का फ्रंट कैमरा, और भाई ये जो बैक कैमरा है ना भाई तगड़ा वाला है, ये 200MP का कैमरा भाई, 200 MP भाई कहां जा रहा है, फिर 8MP का वाइड एंगल, 2MP का पिद्दू सा मैक्रो लेंस दिया गया है, भाई ये 2MP का क्यों डालते हैं, निकाल के फेक क्यों नहीं देते मोबाइल कंपनियां, समझ
बाकी 5G का सपोर्ट रहेगा, बाकी सभी चीजें मक्खन की तरह चलेगा भाई, मतलब तगड़ा फोन है। अगर लेने की सोच रहे हो ये फोन, अगर 25,000 के रेंज में आएगा ना भाई, इस हिसाब से जो इसका अगर प्रोसेसर भी डिस्क्लोज हो जाता, बट आई एम श्योर की अगर मीडियाटेक आएगा 9000 या 1000 डायमेंसिटी के ऊपर ही आना चाहिए, अगर वो आया तो भाई तगड़ा फोन बन जाए। नेक्स्ट फोन की बात करते हैं भाई, Realme 10। हाँ भाई, Realme 9 का अपना बड़ा भाई 10 आने वाला है, जो कि इसका Android 12 के साथ में आएगा। ऑक्टा कोर अगेन 2.2 GHz के साथ में प्रोसेसर, मीडियाटेक G99 भाई, यहाँ पे मतलब ठीक ठाक प्रोसेसर दे दिया। अगर प्राइस की बात करें 14-15,000 चार्ज में G99 ठीक ठाक प्रोसेसर है, बढ़िया 4GB रैम है। वैसे थे 4GB रैम को अपना 6GB बेस वेरिएंट कर देना चाहिए मोबाइल कंपनियों को। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। 6.4 इंचेस का थोड़ा सा छोटा स्क्रीन मिलता, बट यहाँ पे आपको AMOLED स्क्रीन मिलता है भाई। 14,000 के हिसाब से AMOLED स्क्रीन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई प्राइस के साथ में जो ना ये फोन जो है ना डिफाइन करती है। 90Hz का रिफ्रेश रेट है, 50MP का 2M कैमरा है, LED फ्लैश है, फ्रंट कैमरा वगैरह है, फिर 128GB का आपको स्टोरेज मिल जाता है, बाकी स्क्रीन पे आप चीजें देख सकते हो भाई। नेक्स्ट फोन की बात किया जाए तो भाई Xiaomi का Redmi Note 12 भाई, Xiaomi का तीन फोन आ रहा है, Redmi Note 12, 12 Pro Max, Pro वगैरह। तो इसका भाई 13,690 के हिसाब से एक्सपेक्टेड है, ऊपर नीचे 1-2,000 हो सकता है भाई, मेरे पे इल्जाम मत डालना कि भाई YouTube गुरु जी ने भाई ऐसा बता दिया, अब हम 13,000 में मिल रहे हैं, अब तो 14,000 में मिल रहा है भाई, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, जो न्यूज के हिसाब से वो चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भाई। और ऑक्टा कोर 2 GHz का प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 पे चल रहा है, जो कि ठीक ठाक एक प्रोसेसर है। अभी तक जो प्रीवियस फोन 4 Gen 1 जो आया था ठीक ठाक ही था, 4 Gen 2 भी निकला है, उसका भी प्रोसेसर ठीक ठाक ही चल रहा है, बट मतलब एवरेज यूज के लिए आप तगड़ी वाले गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते, बट डे टू डे एक्टिविटीज आपको आराम से निकाल के दे देगा। नेक्स्ट 4GB बेस वेरिएंट का साथ आता है, इसके साथ में चलता है 4GB, बट भाई स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120Hz कर दिया है, जो कि गेमिंग भाई गेमिंग के हिसाब से उतना प्रोसेसर नहीं है, बट देखा जाए तो भाई थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह झेल लेगा, और उसके साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट है भाई, कमाल का बेहतरीन चीजें बना देता है। बाकी इसमें जी ओलेड का स्क्रीन आ रहा है भाई, पी ओलेड, जी ओलेड, पता नहीं क्या क्या ओलेड निकालेंगे, मतलब सिंपल से पता है AMOLED स्क्रीन है, बस यही समझ लो, ठीक ठाक अच्छे कलर, कलर पंची आपको पिच ब्लैक, ब्लैक वगैरह पिच ब्लैक दिख जाएंगे, मतलब तगड़ा वाला है। और 6.67 इंच का वही स्क्रीन है, 48MP का कैमरा सेटअप है, 2MP का पिदो वाला कैमरा है, फिर इसमें डोल लेड फ्लैश वगैरह दिया, 8MP का फ्रंट कैमरा दिया, जो कि एकदम बेकार लगेगा आई एम श्योर डेफिनेटली। बाकी 128GB के साथ में ही ये आता है, आपको इसका एक्सपैंड नहीं कर सकते, 5G का सपोर्ट मिलने वाला है, कितने ब्रांड्स दे रहा है ब्रांड्स वगैरह तो वो तो फिलहाल लिस्टेड नहीं है, बाकी स्प्लैश प्रूफ है, IP52 सर्टिफाइड है, बाकी फिंगरप्रिंट, बाकी फलाना ढिमकाना सेंसर आजकल हर फोन में मिल जाते हैं, पता नहीं अच्छी बात है। तो गाइस नेक्स्ट फोन हमारे पास आ जाता है ओप्पो A1 Pro। गाइस ये वाला फोन मतलब A1 कहाँ गया भाई, मोटो A1 Pro ये करीबन 20,000 के पास में आने वाला है, जो कि Android आउट ऑफ द बॉक्स 13 के साथ में आएगा, ऑक्टा कोर 2.2 GHz, Snapdragon 695 प्रोसेसर के साथ, जो कि इसको एक कमाल का बना देता है। अगेन इसमें OLED का स्क्रीन होने वाला है, 120Hz रिफ्रेश रेट होने वाला है, बाकी सभी सेम है, बट कैमरा की अगर बात की जाए तो भाई कैमरा यहाँ पे 108MP का कैमरा है, जो कि मेन कैमरा सेंसर जो है ना बढ़ा दिया गया है, जो कि बाकी पिद्दूसा 2MP का, मतलब ये क्या टीका लगा रहे हैं क्या, मतलब जब भी कुछ भी पूजा वूजा होता है ना, मतलब एक छोटा सा टीका लगा देते हैं, उसी तरह 2MP का कैमरा के यहाँ पे टीका लगाने के लिए दे दिए भाई। बताओ नीचे कमेंट करके आपको पसंद है 2MP का निकाल दिया जाए, बेकार का रखे रहते हैं, है ना। बाकी चीजें बात सुपर वूक चार्जर के साथ में, करीबन 47W के साथ में चार्ज, टाइप सी के पोर्ट के साथ में आपको आता है, ड्यूल सिम नैनो सिम, 5G सपोर्ट करता है, 4G आपको ड्यूल 4G मिलता है, बाकी 1TB तक आप एक्सपैंड कर सकते हो, बेस 120 आएगा। नेक्स्ट फोन की बात हमारे पास करें तो भाई IQ Neo 7 भाई, IQ Neo 6 तहलका मचा दिया, और उसके बाद में इसका सक्सेसर जाके IQ Neo 7 आ रहा है, जो कि 30,000 के हिसाब से प्राइस रेंज होने वाला है। बाकी अगर IQ Neo 6 की बात किया जाए तो भाई करीबन वो 29,000 के प्राइस रेंज में, बट ये अगर एक लॉन्च होता है करीबन अगले महीने लॉन्च अगर जब होता है, तो भाई क्या IQ Neo 6 का प्राइस कम हो जाएगा भाई, मुझे बहुत पसंद है वो फोन, लिटरली मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर वो प्राइस कम होता है डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे उसको बाय करने के लिए, और उसको रिव्यू वगैरह परफॉर्मेंस आपको देने के लिए। इसलिए चैनल को लाइक भी जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक नहीं कर सकते समझ लो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, करो ये तब आगे बढ़ना, कर लो हाँ। तो भाई यहाँ की स्पेक्स की बात करें तो भाई यहाँ पे 3.2 GHz का प्रोसेसर है, मीडियाटेक 9000 डायमेंसिटी के ऊपर होने वाला है, 8GB का रैम मिल जाता है आपको, 6.7 इंच का वाइड स्क्रीन मिलता है, जो कि AMOLED डिस्प्ले के साथ में आता है, जो कि 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट, कमाल का प्रोसेसर बनाता है, 5000 mAh की बैटरी आती है, फास्ट चार्जिंग,
आई एम श्योर कि 67 ऊपर ही रहेगा, करीबन 80 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट करेगा, टाइप सी टाइप सी के साथ में केबल आपको मिलेगा, ड्यूल सिम सपोर्ट कर जाएगा, 5G सपोर्टेड है, 4GB सपोर्टेड है, यहाँ पर 128GB का बेस वेरिएंट है और इसमें मेमोरी एक्सपायर नहीं कर सकते, तो जब भी आप खरीदोगे भाई तो 128 या 256 या 512 का डाउट ही आने वाला है, बट आएगा तो बढ़िया रहेगा इस फोन के लिए, क्योंकि भाई ये एक मिड प्रीमियम रेंज का हिसाब से फोन बन जाता है। बाकी हर तरह के आपको चीजें मिल जाएगा और USB OTG का भी सपोर्ट मिलता है बोल रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट हर फोन में OTG सपोर्ट रहता ही रहता है। नेक्स्ट फोन हमारे पास बात करें तो भाई i11 5G जो कि करीबन 44,000 का मिलने वाला है गाइस, ये जाकर के 3.2 GHz पे जाकर के 8th Gen Snapdragon का 8th Gen 2 के आने वाला है, जो कि भाई बेहतरीन प्रोसेसर, अब तक का फास्टेस्ट प्रोसेसर इसको बोला गया है। इसका भाई 1 million के ऊपर भी Antutu स्कोर आया है भाई, समझ सकते हो भाई, बहुत तगड़ा वाला प्रोसेसर, आप सोच भी नहीं सकते हो इतने बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन एक बार में कर सकता है, प्रोसेसर का इतना स्पीड है। 128GB बेस वेरियंट आता है, बस आता है इसको 256 बेस कर देना चाहिए, क्योंकि 128 आजकल ना कम लगता है, आपको कैसा लगता है बताना नीचे कमेंट करके। बाकी सभी तरह का चीज है इसमें, बट इसका स्क्रीन की बात किया जाए तो भाई 518 PPI है, पिक्चर पर इंच इसको कहा जाता है, ये डिटेल एक्सपीरियंस मतलब मोटा माटी बात करूँ भाई, PPI जितना ज्यादा आपका पिक्चर क्वालिटी इतना बेहतर। पुराने जितने भी फोन अभी हमने देखा सभी का 400-300 के बीच में, इसका 500 के ऊपर है भाई, कमाल का स्क्रीन होने वाला है और आपको 144Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 50MP का बैक कैमरा मिलता है, बट अगर ये IMX सोनी के IMX का प्रोसेसर जो कि कैमरा सेंसर है उसके साथ आएगा तो भाई वीडियो क्वालिटी बेहतरीन रहेगा। ड्यूल लेटरल फ्लैश फ्रंट में, 16MP का नॉर्मल सा कैमरा, बट बैटरी की बात करें भाई 5000 mAh की फास्ट चार्जिंग 80W के साथ में आना चाहिए भाई इस फोन का, तो मुझे बहुत इंतजार है, आपको क्या लगता है देखते हैं, मैं बताते हैं क्या। और गाइस आज की आखिरी फोन पे बढ़ने से पहले आप लोग भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें सपोर्ट कर दो, हम इतना बोल रहे हैं तब पर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बिना सब्सक्राइब चले जाते हो, अच्छा लगता है क्या बताओ? मजाक कर रहा हूँ भाई, गुस्से में मत लेना, प्यार से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दिया करो, हमें मोटिवेशन मिलता है लाइक देख करके और हमें आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने का मौका मिलता है और इंटरेस्ट भी आता है ना, 2 साल से कर रहे हैं, मैंने पुरानी वीडियो अपने क्यों नहीं किया भाई, मैं अपने अर्निंग्स दिखाया हूँ, उतने अर्निंग से कोई वीडियो चला सकता बना सकता नहीं ना, जाओ उस वीडियो को देखो और हमें सपोर्ट करो, ठीक है भाई, और भाई भाई की तरह छोटे भाई की तरह प्यार बरसा देना। बाकी चलते हैं भाई अगले फोन पे, तो भाई हमारे पास अगला फोन है भाई ओप्पो रेनो 9, ओप्पो का बहुत ही कमाल प्रोसेसर आता है जो कि ये 28,000 के लगभग में आपको मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 778, यहाँ पे डिसअपॉइंट कर दिया भाई ओप्पो ने भाई, 28,000 में 778 प्रोसेसर कौन देता, एटलीस्ट 800 के ऊपर प्रोसेसर आता, 870 ही दे देता जैसे IQ Neo 6 में, नहीं बट इनको तो भाई पैसे कमाना है। देखा जाए तो ओप्पो रेनो जब रेनो सीरीज जब आया था भाई तहलका मचा था, अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी ऑक्टा को 2.4 GHz पे क्लॉक स्पीड रहेगा, 778 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, 8GB का बेस वेरिएंट है और आपको 6.7 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि रिफ्रेश रेट रहेगा 120Hz, 64MP 2MP का मामूली कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा जो ठीक ठाक है, एक फ्लैश मिल जाएगा, 32MP फ्रंट कैमरा मिलेगा, यहाँ ये बेहतरीन चीज क्या है 32MP कैमरा दे दिया, बाकी 4500 mAh की बैटरी मिलेगा, सुपर वो करीबन 80W का चार्जर के साथ में आपको मिल जाएगा, बट मुझे डाउट लग रहा है 80W तो नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट जाकर के 47W का चार्जिंग तो दे ही देंगे। बाकी 256GB बेस वेरिएंट के साथ पाएगा और आप इसे एक्सपैंड नहीं कर सकते हो गाइस, तो कुछ इस तरह से फोन्स वगैरह है भाई। भाई आपको इन सभी फोन में कौन सा पसंद आया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ, तब तक जय भारत गाइस, सब्सक्राइब ठोक दो, हाँ अभी भी मैं रुका हूँ सब्सक्राइब के लिए ठोको चलो बाय गाइस।